मैंने एक ऑडियो दिया है जिसने धरने पर बैठा हुआ एक खिलाड़ी किसी लड़की से कह रहा है कि किसी भी लड़की का इंतजाम कर दो, किसी भी तरीके से इंतजाम कर दो। मतलब ये चार चार महीना मेरे खिलाफ लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर तीन महीने बाद एक ले जा करके फिर किसी न किसी। देखो मिल गया, जी हाँ मिल गया वो सबूत जिसका इंतजार कर रहे थे। और सबूत मिलने के बाद तो अब ब्रिजभूषण की मुश्किलें और बढ़नी तय हैं। जिन सबूतों का जिक्र महिला पहलवानों ने अपनी अपनी जुबान से किया था, जिस सबूतों का जिक्र महिला पहलवान अपनी दबी आवाज में कर रही थी, वही सबूत अब मिल गए हैं। और उन सबूतों के आधार पर अब गिरफ्तारी भी होगी ब्रिजभूषण की और इसके साथ ही साथ उन्हें लंबी सजा भी मिलेगी। दरअसल अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे, महिला पहलवानों का यह कहना है कि अगर सबूत अब दिखाना पड़ा तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इज्जत तो नीलाम हो ही रही है और मैदान में उतरे हैं तो डर किस बात का। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार महिला पहलवानों का कहना है कि इंसाफ तो लेकर रहेंगे, इंसाफ नहीं मिला तो यहीं जंतर मंतर पर दम तोड़ देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, सरकार से डरेंगे नहीं। और सीधे तौर पर अपने दर्शकों को यह बता दें कि आज भीगी बिल्ली बन गए हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। ये वही ब्रिजभूषण शरण सिंह है जिनका रुतबा, जिनका रुबाब इनके प्रदेश में बोलता है, इनके जिले में बोलता है, संसद में देखने को मिलता है। ये वही है जिनका लोहा इन्होंने अपने इलाके में जमाया हुआ है, लेकिन आज ब्रिजभूषण शरण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें लग गया है कि अब सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। कैसे भी करके बस बचा लिया जाए खुद को, नहीं तो आने वाले वक्त में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि ये सरकार मोदी की है और मोदी सरकार अब अपने नेताओं पर कार्रवाई करने को लेकर बड़ा काम कर रही। माना जा रहा है कि जिन सबूतों का जिक्र महिला पहलवानों की तरफ से किया गया है वो सबूत जल्दी सीबीआई को सौंपे जाएंगे, पुलिस को सौंपे जाएंगे और सीबीआई निष्पक्ष इस तरीके इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि महिला पहलवानों का ये कहना है इस मामले की जाँच निष्पक्ष तरीके से सीबीआई करे ताकि पता चले देश की जनता को कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। तो सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को बता दें कि इंसाफ की लड़ाई लड़ रही महिला पहलवानों को क्या वाकई इंसाफ मिल पाएगा। और जिन सबूतों का जिक्र किया जा रहा है उसमें से एक सबूत दिखाया ब्रिजभूषण ने भी, उन्होंने कहा कि भैया सबूत तो मेरे पास भी है। चलिए आपको अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस सबूत का वो जिक्र कर रहे हैं और क्या वाकई यही सबूत है जो कहीं ना कहीं महिला पहलवानों की मुश्किलें बढ़ाएंगे, या महिला पहलवानों के जो सबूत हैं वो ब्रिजभूषण की मुश्किलें बढ़ाएंगे। मैंने एक ऑडियो दिया है जिसने धरने पर बैठा हुआ एक खिलाड़ी किसी लड़की से कह रहा है कि किसी भी लड़की का इंतजाम कर दो, किसी भी तरीके से इंतजाम कर दो। मतलब ये चार चार महीना मेरे खिलाफ लोगों को उकसाएंगे, भड़काएंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और फिर तीन महीने बाद एक ले जा करके फिर किसी न किसी को पेश कर देंगे। चलिए मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है, ये काम जांच एजेंसी का है, वो जांच एजेंसी अब काम करेगी। लेकिन हमने तो लगातार सरकार के फैसले का सम्मान किया और ये लगातार इसका उल्लंघन कर रहे हैं, रोज रोज ये नई डिमांड लेकर के आ जा रहे हैं। अब जांच एजेंसी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इनको इंतजार करना चाहिए। फिर ये धरने पर बैठ गए, अब धरने पर बैठ गए, पहले इनकी मांग थी एफआईआर की जाए, चलिए भाई इनकी मांग स्वीकार हो गई, अब एफआईआर हो गई, अब इनको चाहिए, अब कहते हैं कि जेल के अंदर होना चाहिए, सारे पदों से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो मेरे पद, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे दिनेश फोकाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है, और एक बार नहीं छः छः बार दे रखा है, छः छः बार मुझको दिया, मेरी पत्नी को दिया, और उनको वो उनकी कृपा पर नहीं है, और कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उनकी कृपा पर नहीं है, मैं चुनाव लड़कर के जीता हूँ। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार फंसते चले जा रहे हैं, मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और अब मेरा सवाल जनता से रहेगा कि क्या सीबीआई की निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए।
अगर जांच राहुल गांधी की हो जाती है, गांधी परिवार की हो जाती है, लालू परिवार की हो जाती है, तो क्या सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? वो भी निष्पक्ष अगर होनी चाहिए तो आप समर्थन जरूर कीजिए। और देश की महिला जो आज इंसाफ की बात कर रही है, क्या वाकई मोदी राज में उन्हें इंसाफ मिल पाएगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जात दीजिए, नमस्कार।